हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए आप सभी को पता है, नाबार्ड में वेज रिवीजन जो 11th पाइपरटाइट सेटलमेंट था वो हो चुका है। एंड उसके अकॉर्डिंग जो सैलरी स्लिप है आज मैं आपको शो करने वाला हूँ। और ये जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है ये है अक्टूबर 2022 की। एंड जैसा कि आप सभी को पता है, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में जो सैलरी रिवीजन होता है वो हर 5 साल में होता है। ये जो वेज रिवीजन था ये 2017 नवंबर से ड्यू था, और अब आपको पता है 2022 नवंबर से जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है वो ड्यू हो जाएगा। मतलब जो पहला ग्रेड पे था वो 2022 में जाके लगा है एंड अब नेक्स्ट ड्यू है। तो मतलब इसके आगे आने वाली जो रिक्रूटमेंट है उसमें और ज्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। सो 2017 नवंबर से जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट ड्यू था वो कैसे हुआ है ये आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। नाबार्ड 2022 में क्या सैलरी है, क्या अलाउंसेस है, ये हम आपको दिखाएंगे। सो बेसिकली ये सैलरी स्लिप है, मैंने इसमें केवल वो पार्ट रखा है जो अर्निंग वाला पार्ट है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बेस सैलरी है, जो बेस सैलरी अब इंक्रीज होकर 44,500 हो गई है फॉर द ग्रेड ए। ये मैंने बात की है ग्रेड ए की, जो ऑफिसर, जो इनिशियल कैटेगरी होती है ऑफिसर्स की उसमें। देन इसमें आप डीएनएस अलाउंस देखेंगे तो ये डीएनएस अलाउंस है 21,945। देन एलसीए है 2,225, ग्रेड अलाउंस है 6,250। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ग्रेड अलाउंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 6,000 ऑलरेडी था, उसमें 250 रुपीज़ ऐड हुआ है। बट अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आरबीआई और सेबी से तो वहाँ पे ये जो अलाउंस है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आरबीआई की और सेबी की सैलरी ग्रेड ए लेवल में काफी ज्यादा डिफर करती है नाबार्ड से। देन इसके अलावा बाकी अदर अलाउंसेस हैं, लर्निंग अलाउंसेस भी है, स्पेशल अलाउंसेस भी है, ये सारे अलाउंसेस हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोस्टिंग के बेसिस पे भी काफी अलाउंसेस चेंजेस होते रहते हैं। तो जो अब ग्रेड पे फिक्स हुआ है, पहले 28,150 का ग्रेड पे था जो 2017 से पहले था, अभी जो ग्रेड पे हुआ है वो 44,500 है ग्रेड ए की पोस्ट पे। इसमें आप देखेंगे तो 2500 के 4 इंक्रीमेंट, देन ये 54,500 हो जाएगा, इसमें 7 इंक्रीमेंट 2,850 के, देन आप देखेंगे ये हो जाएगा 74,450, देन एफिशिएंसी बार 2,850 के 4 इंक्रीमेंट 85,850 हो जाएगा, एंड उसमें फिर 3,300 का एक इंक्रीमेंट, और जो 17 साल में अगर आप देखते हैं तो 89,150 यहाँ पे बेस सैलरी पहुंच जाएगी। तो ये बेसिक होता है। तो यहाँ पे जो 2500 लिखा है इसका मतलब ये है कि एक साल बाद बिना प्रमोशन हुए इसमें 2500 का इंक्रीज होगा। तो ये पूरा का पूरा 17 ईयर की कैलकुलेशन है बेस सैलरी की, और उसके अकॉर्डिंग ये जो बेस पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही जो बाकी अलाउंसेस हैं वो जनरली फिक्स होते हैं। अब बात आती है कि ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी। तो जो ग्रॉस सैलरी है इस सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो ये 90,314 है। मतलब जो अभी आज के टाइम पे नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उनकी जो सैलरी है वो 90,000 प्लस है। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आरओ टू आरओ, मतलब आपकी पोस्टिंग टू पोस्टिंग डिफर करता है, आपकी कैसी पोस्टिंग है उस पर काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। डिडक्शन की अगर हम बात करेंगे, एज ऑफ नाउ एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें अराउंड 8,000 डिडक्शन होता है। टीडीएस भी अराउंड 12,000 रुपीज पर मंथ आपका डिडक्ट होगा। सो आप 20,000 का भी अगर डिडक्शन देखते हैं तो नेट जो सैलरी है या फिर इनहैंड सैलरी है वो 70,000 प्लस रहती है। अगेन इसमें काफी सारी चीजें वेरी कर सकती हैं पोस्टिंग पे डिपेंडिंग। ओके, सो अगर हम उसको डिटेल में देखें कंपोनेंट, हालांकि मैंने आपको ये कंपोनेंट्स बताए हैं डिटेल में, तो इंपॉर्टेंट क्या है, पहले ये जो 28,150 हुआ करता था वो अब कितना हो गया 44,500, और जो सैलरी पहले अप्रॉक्स 65-70 के बीच में बनती थी वो 90,000 हो गई है। तो पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अप्रॉक्स 15-20,000 का इंक्रीज होगा सैलरी में सेटलमेंट के बाद, तो वो हमें देखने को मिला है। और एक चीज आप देख सकते हैं कि नवंबर 2022 से नेक्स्ट सेटलमेंट ड्यू है, मतलब ये जो 90,000 बन रही है ये नेक्स्ट सेटलमेंट के बाद जो कि नवंबर 2022 के बाद ड्यू है, उसके बाद इसमें 15-20,000 अगेन इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियल लेवल में ही नाबार्ड में काफी अच्छी सैलरी होती है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस हम देखेंगे तो हाउस रेंट या फिर एकोमोडेशन 20,000-25,000। बट जनरली आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी आप देखेंगे आरओ होते हैं स्केल वन में, जो ग्रेड ई लेवल में जो पोस्टिंग होती है, तो उन आरओ में क्योंकि एकोमोडेशन फैसिलिटी होती है तो ये वाला पार्ट नहीं पे किया जाता है। जहां पे फैसिलिटी नहीं होती है या फिर डीडीए या फिर कोई अदर जगह पे पोस्टिंग है तो वहां पे ये अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस है जिसमें अप्रॉक्स 150 लीटर पेट्रोल है,
अलाउंसेज अभी चेंज नहीं हुए हैं, अलाउंसेज चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा और ये सारे अलाउंसेज भी रिवाइज होंगे। अभी इसमें 2-3 महीने का टाइम लगता है, जैसे नेशनलाइज बैंक में भी हुआ था, पहले सैलरी में चेंज आता है, उसके 3-4 महीने बाद अलाउंसेज में भी चेंज आता है। ये सारी चीजें मतलब अगेन अभी बढ़नी है। टेलीफोन या फिर इंटरनेट न्यूज़पेपर आप देखेंगे तो ये सारे अलाउंसेज हैं। हाउस होल्ड अलाउंसेज 5,000 रुपीज़, LTC के कंसेशन रहता है 15,000 पर मंथ आपकी फैमिली के लिए घूमने जब आप जाएंगे। तो उसके अलावा जो अगर अदर अलाउंसेज देखेंगे, ब्रीफ केस, स्पैक्स, सोडेक्सो कूपन, ये वो तो सारी बहुत सारी अलाउंसेज मिलते हैं। फर्नीचर अलाउंस जो कि 10 साल में मिलता है 5 लाख, ये भी अभी आगे रिवाइज होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके अलाउंसेज हैं 30-35,000 ये अलाउंसेस होते हैं, उसके अलावा जो इनहैंड सैलरी है वो अराउंड 70,000 है। सो दिस इज द सैलरी जो कि अभी के अकॉर्डिंग है। ये आपने देखा होगा सर्कुलर, जो सैलरी इंक्रीज हुआ था तो ये एग्जिस्टिंग था और ये इंक्रीज होकर 44,500 हो गया। ग्रेड बी में अगर आप देखेंगे 35,150 से 55,200। सो जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है, क्योंकि ग्रेड बी में रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की और उसके साथ साथ 3 साल का बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी सैलरी रहती है। बाकी ग्रेड ए अलाउंस मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या डिफरेंस आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सैलरी। नाउ इम्पॉर्टेंट इज, ये मोटिवेशन तो हो गया, बट यू हैव टू प्रिपेयर वेरी हार्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टू क्लियर, बिकॉज यू नो दिस एग्जामिनेशन इज हैविंग 8 subjects in the first step, that is the prelims examination, and then in the mains examination, this exam is descriptive type. Okay, apart from the descriptive English, ARD and ESI bhi descriptive part mein pucha jata hai. So that is very important. And then uske baad interview hota hai. So 3 levels hain jahan pe aapka final selection hota hai. Recruitment regular hoti hai, har saal ye recruitment dekhi jati hai. आप पहले भी देखेंगे तो हर साल ये हुआ है, आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को दीजिए, कट ऑफ के साथ उसको मैच कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, फिर से स्वॉट एनालिसिस कीजिए और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद ज्यादातर प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो इससे अच्छा है कि रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, आपके बाकी एग्जाम भी प्रिपेयर होंगे और ये भी होगा। आपको हमारी वेबसाइट पे, iExamBee की वेबसाइट पे इनके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, 2022 के भी। आप उनको जरूर एक बार देखें एंड फिर उसके बाद देखें कि आप उसको कर सकते हैं कि नहीं। एंड जितने भी स्टूडेंट इसको टारगेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप पढ़िए। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि 8 subjects हैं, तो यहाँ पे ऐसा है ना कि जैसे हम कहते हैं ना मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड, सॉरी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। सो वैसे ही यहाँ पे भी कहानी है कि जरूरी नहीं है कि आपकी इफिशियंसी बहुत अच्छी हो, बट आपको हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, सो दैट कि कट ऑफ सबकी क्लियर हो और आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो और सेकंड स्टेप पे आप पहुंचे। सो इसके लिए आप अभी से प्रिपेयर करें। iExamBee के साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो iExamBee इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द NABARD ग्रेड ए कोर्सेस, वी हैव द एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर योर प्रिपरेशन। सो वो आप डेमो देख के डिसाइड कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट इज आप कहीं से भी प्रिपरेशन करें, आप प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम प्रिपरेशन हो पाती है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।